नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारी मक्के की बोनी का पहला दिन चल रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमारी मक्के की बोनी हो रही है पहले दिन में, और किस तरीके की जमीन तैयार की हमने, सारी डिटेल देते हैं आपको, बने रहिए वीडियो में। और मशीन की सेटिंग के बारे में भी बताएंगे आपको। जैसा कि देख सकते हैं किसान भाइयों, ये हमारा खेत है और इसमें अभी कल बारिश हो गई है। लगभग 1 से 1.5 इंच मिट्टी गीली हो चुकी है और ये हमारा महिंद्रा 585 चल रहा है। कौन सा बीज बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं, वो भी जानकारी देंगे आपको। थोड़ी धीरे चला, धीरे चला, बस ये देख सकते हैं किसान भाइयों, अभी हमारी बोनी चालू हो गई है और हम कौन सा बीज बो रहे हैं वो भी बताएंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं हम धार किस तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन हुआ है कि धार किस तरीके से बनना चाहिए। पहले तो हमने इसको खेत को 2 बार अच्छी से कल्टीवेटर से बखरानी किया है, फिर उसके बाद धार बना दिया है। तो धार भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साइज की बनी है और काफ़ी चौड़ाई भी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जे कोर्ट से लेकर यहाँ तक की दूरी है 73 इंच, यहाँ से लेकर और वो वाले कोने तक 73 इंच है। फिर उसके बाद हमने उसका थोड़ा छोटा किया है, सूपे को अंदर किया तो वो घटकर हो गई है, 77 इंच हो गई थी, और 72 इंच की हमारी ट्रैक्टर है तो 2-4-5 इंच ऐसा चलता है। फिर उसके बाद हमने उसको दोनों ब्लेड को 1-1 इंच अंदर कर दिया है, तो उससे ये फायदा हुआ है कि ये वाली मेड़ के ऊपर ये वाला मिट्टी है इसमें नहीं जा रहा है, इससे थोड़ा बच के ही चल रहा है किनारे किनारे, और ट्रैक्टर भी बहुत आसानी से निकल जा रहा है। और क्या सुंदर धार बन रही है, आप देख सकते हैं दाने बिल्कुल, एक यहाँ पर गिर रहा है तो एक यहाँ पर गिर रहा है, हमने उसमें 13 से 14 इंच की दूरी, 13.5 इंच मान सकते हैं दूरी रखी है, जैसे कि दाने को सही खाद पानी और हवा मिल सके। इसी तरीके से अभी बोनी चल ही रही है और पहली बार हमने 4-5 दिन पहले धार बना लिया है कि बारिश की संभावना रहती है, और आज 13 जून है तो हम इसको बोनी कर रहे हैं। कल शाम को देख सकते हैं बारिश हो गई थी हमारे यहाँ, ऊपर ऊपर की मिट्टी तो सूख गई है और फिर नीचे की मिट्टी काफ़ी, ऊपर की मिट्टी काफ़ी गीली है अभी बारिश के कारण, नीचे की मिट्टी काफ़ी सूखी है। अभी बारिश की संभावना बनी रही है, फिर इस खेतों में बनता नहीं है, चलाते ट्रैक्टर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है बोने में, इसलिए सभी किसान ने आज सुबह से ही चालू कर दिया है बोना अपने अपने खेतों में। अभी देखिए, अभी हमने 40-50 मिनट हो गए चल रही है ट्रैक्टर, अभी अब इसका दाना और खाद भी डालना पड़ेगा, ख़त्म हो रही है। चलिए दिखाते हैं आपको, दाने से दाने की दूरी लगभग 8 से 10 इंच आ रही है किसान भाइयों, आपको बता दें अच्छी दूरी आ रही है, छोटा गैर फंसा है पीछे साइड। और दाने की वैरायटी देख सकते हैं, हमने अभी पूजा किया था तो काफ़ी बारीक दाने हैं इसमें, अभी दिखाते हैं आपको। किसान भाइयों, हम इसमें इस बार पहली बार दे सकते हैं इस मक्का का उपयोग कर रहे हैं, जो कि है सजेंटा का NK 6802, जो हाईब्रिड सीड है और भारी ज़मीन के लिए है, और ये भारी ज़मीन ही है। ये 3.6 किलो की एक पैकेट है। दाने भी देख सकते हैं आप, बढ़िया दाने हैं, कुछ थोड़ा छोटे दाने भी हैं इसमें। इसको इस तरीके से भर दिया जाता है, अभी दोनों में भर देंगे तो अभी फिर उसके बाद अब तक खाद भी खाली हो जाएगी, थोड़ी खाद बची है इसमें। इस तरीके दोनों डब्बे में दाने डाल लेते हैं और सामने खाद डाल लेते हैं तो बढ़िया तरीके से गिर जाती है। इसके साथ देखिए ऐसे यूजर मैनुअल भी आते रहते हैं इसमें, तो ये पढ़ सकते हैं किसान भाइयों, इसमें और डाल दो थोड़ा सा। है देख सकते हैं दाने का बिल्कुल कलर अलग ही दवाई में लाने के कारण। अब भुट्टे के बारे में बाद में जानकारी देंगे आपको कि किस तरीके से निकल रहे हैं, अभी उगेंगे तब। अभी 2 पैकेट लग गए हैं, लगभग 1 एकड़ होने ही वाला है, तो ठीक ही कर रहा है हमारे हिसाब से। 1 एकड़ हो जाएगा तो 7 किलो बैठेगा लगभग 1 एकड़ में, तो 7 किलो परफेक्ट रहता है बीज 1 एकड़ के हिसाब से। अभी पूरा खेत कंप्लीट करेंगे किसान भाइयों, और हम DAP खाद का उपयोग कर रहे हैं,
वो भी 1 एकड़ में लगभग 1 बोरी के करीब लग ही रही है। जितना मक्का चल रहा है उतना ही डीएपी भी लग रही है, और ये हमारे पूरी बोरी ही लेकर आ गया है, जैसे कि दिक्कत ना जाए बीच की। बने रहिए वीडियो में, अभी इस तरीके से कार चलता रहेगा कंटिन्यू। किसान भाइयों, अभी लगातार 5.5 घंटे हो गए ट्रैक्टर चल रही है, बीच बीच में 2-3 सुधार भी किए गए हैं। ऐसे 14 इंच में दाने गिर रहे थे तो हमने 12 इंच में कर दिए हैं, और जो छेद हमने सुबह पीछे कर दिए थे तो इसको आगे कर दिए हैं, और वो एक नट गिर गया था जिसके कारण कम दाने गिर रहे थे, उसको भी हमने दूसरा नट लगा दिया है, वो अब ठीक हो गया है। अभी तक हमने अभी देख सकते हैं, अभी 4 बोरी यूरिया लग चुकी है, 4 बोरी अभी, और ये 5वीं बोरी है, लगभग 5-6 एकड़ में हो जाएगी 5 बोरी। थोड़ा कम ही गिराते हैं, अच्छी लगना ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं गिराते रहें, बढ़िया धार बन रही है। और जो हमने ट्रॉली की जो संकल रहती है, जो एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए पीछे के गेट को, तो उसी को लगा दिया हमने, जिससे कि काफ़ी अच्छा प्लान होते चल रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, एक दाना यहाँ गिर रहा है तो एक दाना यहाँ गिर रहा है 1 फीट की दूरी में, और यहाँ से ट्रैक्टर भी बढ़िया तरीके से जा रहा है, इसमें फिर स्प्रे पंप से भी दवाई छींचने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब सुधारने में भी और थोड़ा स्लो बोनी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता ही है, लेकिन काम क्वालिटी का हो जाता है। अभी लगभग 1 घंटे का समय और लग जाएगा इसी तरीके से काम करते करते, और इसी तरह से कार्य चलता रहेगा अभी। और कितना बीज लगा वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों, अभी लगातार 7 घंटे से ट्रैक्टर चल रही है, और बीच में सुधारना पड़ा है, और ये देख सकते हैं इसमें 12 पैकेट आई थी, जिसमें से अभी हमारे को लग गई है 2 पैकेट बची हुई हैं, 2.5 पैकेट बचा हुआ है, 10 किलो बचा हुआ है, मतलब 25 किलो बीज लग चुका है। तो 7 एकड़ में के लगभग में